हेलो एवरीवन, चलिए आज हम इस सेशन को कवर कर लेते हैं और फिर कुछ नया सीखेंगे, ठीक है? कल से, लेकिन जो हमने टॉपिक किया है उसी को कवर करेंगे आज। आपको एक अनऑर्डर लिस्ट में एक ऑर्डर लिस्ट भी क्रिएट करनी है, मतलब एक ऐसा वेब पेज बनाना है जिसमें नंबरिंग लिस्ट भी हो और बुलेटिंग लिस्ट भी हो। आपने देखा ही होगा लिस्ट 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 आइटम टेबल और ये दुनिया भर की चीज़ें, हेडिंग्स, ये एक लिंक, ये सब जिसमें वेबसाइट में होते हैं और वेबसाइट्स के वेब पेज में होता है, ठीक है? होम पेज बनाते हैं और फिर दूसरे दूसरे वेब पेज होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी हैं, पढ़ी हैं, आप जानते हैं, लेकिन बनाना नहीं जानते, जिसमें मैंने आपको बहुत कुछ बनाना सिखा दिया, चाहे वो टाइटल लिस्ट हो, चाहे वो हेडिंग हो, चाहे वो बॉडी कंटेंट हो, चाहे कैसे गलतियां सुधारते हैं, कैसे वेब पेज पे लाइन चेंज होती है, और कैसे जो है हम एट्रीब्यूट्स यूज़ करते हैं, कैसे हम फॉर्मेटिंग करते हैं, और कैसे हम लोग अनऑर्डर लिस्ट बनाते हैं, कैसे हम ऑर्डर लिस्ट बनाते हैं, ये सब कुछ मैंने आपको सिखाया है। अब ज़रूरत है तो किस बात की, कि आप उस चीज़ को खुद से एक्सप्लोर करें, प्रैक्टिकल करें, ये इस बात की ज़रूरत है। क्योंकि मेरा काम सिर्फ आपको सिखाना है, ट्रेन करना है, बाकी की चीज़ें आपको एक्सप्लोर करनी है, ठीक है? तो आज आपको क्या करना है, एक ऐसा वेब पेज बनाना है जहाँ पर दो तरह के लिस्ट हो, एक एक यू एल एक सॉरी एक यू एल हो, एक ओ एल हो। क्या हो? एक यू एल होना चाहिए और एक ओ एल होना चाहिए। तो यू एल मीन्स अनऑर्डर लिस्ट और ओ एल मीन्स मतलब ऑर्डर लिस्ट, ठीक है? तो दिस इज, चलिए मैं आपको कुछ ऐसा कंटेंट बताती हूँ जहाँ आप यू एल और ओ एल को, दोनों को बना सकते हैं। मान लीजिए आप कोई रेस्टोरेंट चलाते हैं और अपनी कोई वेबसाइट बनाई है अपने, और उसके लिए आपको वेब पेजेस बनाने होंगे। जाहिर सी बात है, बहुत से वेब पेज बनाएंगे और फिर वेबसाइट बनेगी उसकी। तो आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा कि आप अपना वेब पेज बनाएं। तो होम पेज पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी आपको जो आपको ओ एल में बनानी होंगी, ऑर्डर लिस्ट में, बुलेटिंग में। आपको जैसे कि आपका आपका के कैसे फैसिलिटीज़ हैं, होम डिलीवरी की है, आपके यहाँ बुफे सिस्टम है या फिर आपकी सीटिंग सिस्टम है, कैसी सारी चीज़ें फैसिलिटी, आपका रेस्टोरेंट कौन किस 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 तरह की डिशेस को प्रोवाइड करवाना करवाता है, ये सब बुलेट्स में बना दें, यानी अनऑर्डर लिस्ट में बना दें। और इसी पे एक नंबरिंग लिस्ट बना लें, जिसमें कि क्या करना है आपको, उसमें ये दिखाएं कि भाई कौन कौन सी डिशेस प्रोवाइड करवाता है, वो क्या करें आप। जैसे एक लिस्ट बनाई आपने, जैसे चाइनीज़ बना ली, अब चाइनीज़ में कौन कौन से आइटम प्रोवाइड हैं, इंडियन में कौन कौन से हैं, इटालियन फूड में कौन 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 टाइप का फूड है। तो ये आप यू एल में ओ एल में यू एल, वैसे तो मैं आपको रिस्ट लिस्ट बनाना सिखाऊंगी, है ना, लेकिन आपको खुद से ये बनाना है। तो मैं आज आपको कुछ टैग्स जो बताती हूँ वो मैं बता देती हूँ, लेकिन आप अपने माइंड से बनाएंगे। एक्चुअली क्या है कि मैं तो सिर्फ आपको यहाँ आज के ट्यूटोरियल में जो कर रही हूँ वो आपकी हेल्प कर रही हूँ बेसिकली, बाकी तो ट्रेनिंग देती हूँ, लेकिन आज का जो ट्यूटोरियल है वो मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ, आप खुद से इसको बनाएंगे, ठीक है? तो हमारा सबसे पहला टैग क्या रहेगा, HTML टैग कैसे लगाएंगे। नोटपैड हमें ज़रूरत होती है हमेशा वेबसाइट के लिए, वेब पेजेस जो बनते हैं वो टेक्स्ट वाले बनते हैं, और किसमें हमें किसकी ज़रूरत होती है, नोटपैड की। तो पहला टैग क्या रहता है हमारा, HTML टैग, लेस HTML ग्रेटर। दूसरा क्या रहता है, हेड टैग रहता है जो हमारा अनविजिबल होता है, और यानी नॉन विजिबल होता है, और हमें जो है जैसे हम फॉर्म वगैरह भी फिलअप करते हैं और जब सबमिट करते हैं तो उसमें ये बहुत बड़ा हमारा रोल प्ले करता है, समझ में आ गई बात। तीसरा क्या होता है, टाइटल टैग होता है जिसमें आप अपने रेस्टोरेंट का टाइटल रखें, किस टाइटल किससे आप वेबसाइट बनाएंगे, वो तो डोमेन तो खैर जब क्रिएट करेंगे तो उसमें डेवलप करेंगे तब लग जाएगा, मतलब पेज का टाइटल क्या रखेंगे। फिर टाइटल टैग के बाद क्लोज करेंगे इसको, हेड टैग को क्लोज करेंगे, और फिर बॉडी, बॉडी में आपकी मर्जी एट्रीब्यूट यूज़ करें ना करें, मैंने आपको टैग बता दिए। हेडिंग कितनी करनी है, 6 हेडिंग तक कर सकते हैं एक पेज पर, वो भी मैं आपको बता दी, और हेडिंग के मैं हेडिंग डालने के बाद उस टैग को भी क्लोज करना होता है, ये भी आपको बता दिया है, और आपको ये भी बता दिया कोई गलती हो जाएगी तो आपको कैसे लेस डेल ग्रेटर, फिर वो सही वर्ड जो आपकी करेक्शन है, करेक्ट वर्ड, और फिर लेस स्लैश डेल ग्रेटर करके उसको क्लोज कर देंगे। और फिर आपको मैंने ये भी बता दिया है कि लाइन चेंज करने के लिए क्या करना है। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि आपको यू एल लिस्ट बनानी है तो लेस यू एल ग्रेटर, और फिर हर बार लेस लेस एल आई
लेस एलआई ग्रेटर करेंगे और वहाँ पर लिस्ट आइटम के बाद जो आपको लिस्ट आइटम देना है वो दें, और लेस स्लैश एलआई ग्रेटर करके हर लिस्ट आइटम को क्लोज करें, लास्ट में लेस स्लैश यूएल ग्रेटर करके, और ओएल का बताया है लेस ओएल ग्रेटर, और हर बार जो लिस्ट आइटम देने हैं उनको लिस्ट आइटम का भी टैग दें और बोल्ड का भी टैग दें, लेस एलआई ग्रेटर लेस बी ग्रेटर, फिर वो उसका जो लिस्ट आइटम का नाम लिखेंगे लेस स्लैश बी ग्रेटर, उसको क्लोज करें, लेस स्लैश एलआई ग्रेटर, हर बार आपको ऐसे ही करना है, लास्ट में लेस ओ एल करके, या तो पहले यू एल वाली बनाइए तो लेस स्लैश यू एल ग्रेटर, और या फिर पहले ओ एल बनाइए तो लेस स्लैश ओ एल ग्रेटर, फिर बॉडी टैग को क्लोज करें लेस स्लैश बॉडी ग्रेटर, और एच टी एम एल को टैग को क्लोज करें लेस स्लैश एच टी एम एल, जितने भी टैग्स खुले हैं लाइन चेंजिंग टैग के अलावा सारे टैग्स को क्लोज करना है, फाइल को सेव करना है, सेव में जो फाइल नेम देंगे स्पेस की जगह वहाँ अंडरलाइन का यूज़ करें, कोट में नाम लिखेंगे, एक्सटेंशन देंगे डॉट एच टी एम एल करके, और टैब जो फाइल्स टाइप आएगा तो डाउनलोड से ऑल फाइल पे कर्सर रखेंगे, आप जहाँ चाहें वहाँ सेव कर दें, वो मैं आपको सब बता चुकी हूँ। चलिए इसको एक्सप्लोर कीजिए, कल हो सका ज़रूरत लगी तो मुझे इस पर ही बताऊंगी, नहीं तो हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, आज के लिए इतना ही, मतलब HTML में कुछ नया शुरू करेंगे, HTML ही चलेगा अभी, ठीक है, तो चलिए थैंक यू सो मच।